गोरखपुर से लखनऊ और गोरखपुर से छपरा तक रेलवे ट्रैक के दोनों साइड फेंसिंग की जा रही है, जिससे हादसों में कमी आएगी। अब ट्रैक पर बेधड़क ट्रेन दौड़ेगी, जिसके जरिए छपरा से लखनऊ तक रेल आवागमन तो सुचारू रूप से समय पर चलेगा, वहीं सैकड़ों और हजारों जिंदगियां जो इस ट्रैक और ट्रेन की चपेट में आकर खामोश हो जाती थी, उस पर भी लगाम लगेगी। गोरखपुर में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब ट्रैक और रेल पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर बाकायदा फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। छपरा से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ तक फेंसिंग करके ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। स्पीड बढ़ाने को लेकर लगातार रेलवे कवायद कर रही है और इस दिशा में कई कार्य किए जाने हैं, जैसे उसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का कार्य है। वो दो ब्लॉक सेक्शन में अगर गोरखपुर से बाराबंकी के बीच की बात करें तो दो ब्लॉक सेक्शन में ऑलरेडी हो चुका है। इसके अतिरिक्त रेल फेंसिंग लगाना है थ्रू एंड थ्रू गोरखपुर से बाराबंकी के बीच में, जिससे कि जैसा आपने कहा कि कैपिटल रन ओवर की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, और साथ ही साथ अगर तेज स्पीड में गाड़ियां चलानी है तो उसके लिए रेल फेंसिंग का होना आवश्यक है दोनों तरफ। तो इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है, जैसे एक्सप्रेसवे के किनारे स्टील फेंसिंग लगती है लोहे वाली, उसी तरह की फेंसिंग ट्रैक के दोनों किनारे लगाई जा रही है। और इसमें अभी 21 किलोमीटर के आसपास का कार्य भी पूरा हो गया है। और इस फेंसिंग के कार्य को लेकर ग्राउंड से जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार रेलवे अलग अलग पहल करता है, और ऐसे में ट्रैक पे आए दिन हो रहे हादसों को लेकर रेलवे ने बकायदे फेंसिंग का काम शुरू किया है, जो कि बाराबंकी से लेकर के कोई 21 किलोमीटर तक काम पर कंप्लीट कर लिया गया है। ये काम छपरा से लेकर के गोरखपुर वाया लखनऊ तक होना है। और अभी फिलहाल गोरखपुर की अगर बात करें तो जहां मैं खड़ा हूँ, इस तरह से RCC दीवाल के जरिए जो है फेंसिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन जब आप शहर से थोड़ा सा आगे इंटीरियर एरिया में निकलेंगे तो ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप, इस ट्रैक की तरह जो है बकायदे स्टील की जो फेंसिंग है उससे काम किया जा रहा है। बकायदे बाराबंकी से जरवल रोड तक जो है 21 किलोमीटर तक ये फेंसिंग का काम कर लिया गया है, और गोरखपुर से बाराबंकी तकरीबन 431 किलोमीटर की जो रनिंग जो है फेंसिंग का काम करना है उसे किया जा रहा है। क्योंकि आए दिन आप देखेंगे, जैसे अभी वो महिला आ रही है, वो आप देखिए कि बिना किसी रोक टोक के ट्रैक के इस पार और उस पार चली जा रहे हैं। इस तरह से चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, वो बिना किसी देखे और जो है ट्रैक को आर पार हो जाते हैं, ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। और इनके अगर उधर से कोई ट्रेन आती है तो बड़ा हादसा हो जाता है उसको लेकर के, और बकायदे यात्रियों की सुविधा को लेकर के इस तरह की फेसिंग का काम किया जा रहा है। जो गोरखपुर में ये RCC जो है फेसिंग का काम हो रहा है, और थोड़ा सा आगे थोड़ा इंटीरियर एरिया में पहुंचेंगे तो वहाँ पे स्टील फेसिंग का काम हो रहा है, और इसके जरिए न केवल यात्रियों की और जो है जानमाल की सुरक्षा होगी, साथ ही जो आसपास के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो अक्सर रेलवे लाइन क्रॉस कर जाते हैं बिना देखे, उनकी भी जान की हिफाजत होगी। साथ ही जो रेलवे का समय सारणी है, जो शेड्यूल है, उसमें भी जो है काफी हद तक मदद रेलवे की मिलेगी, और समय पर गाड़ियां अपने गंतव्य स्थानों तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगी। और शिवरात्रि के अवसर पर शामली में जगह जगह